सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो अभी हम और मम्मी जा रहे हैं मार्केट। तो मार्केट कुछ कुछ सामान लेना, आपको दिखाएंगे क्या क्या लेना है। तो कॉल आ रहा है। सो गाइज, हम लोग गए मार्केट और यहाँ आए थे ज्वेलरी शॉप पे और बहुत कुछ लेना था बट सब कुछ तो मिला नहीं। यहाँ पे हम देख रहे थे बिछिया और बहुत ही प्यारा प्यारा बिछिया था और मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा था मेरे को। तो जब भी हम यहाँ आते हैं मम्मी मेरे लिए बिछिया ज़रूर से ज़रूर खरीदती है हमेशा, क्योंकि बिछिया बहुत शुभ होता है एक सुहागन के लिए। और जब भी मौका मिले आप लोग भी खरीद लिया करो। तो यहाँ पे वही हम देख रहे थे जो मम्मी को भी दिखा रहे थे कि देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है, आप देख लीजिए पहले, तो वो डन होगा। हम पसंद कर लिए थे, सब कुछ आपको घर जाके दिखाएंगे कि क्या क्या लिए, कौन सा लिए। बहुत कुछ लिए, मतलब बहुत कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ लेना था बट वो सब कुछ मिला नहीं, बट जो मिला आपको हम घर जाके दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर सा चीज़ लिए हैं हम और मतलब अच्छा लगा मेरे को कि मेरे पसंद का मिल भी गया। और भी कुछ कुछ सामान लेना था क्योंकि कहीं जाना भी है उसके लिए, और हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे कि कहाँ जाना है। सो गाइस, आगे मार्केट से घर। मार्केट में ज्यादा कैप्चर नहीं किए क्योंकि बहुत ज्यादा ही भीड़ था इसलिए। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या लाए हैं, ढेर सारा शॉपिंग किए हैं। तो सबसे पहले तो साड़ी एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो पहला साड़ी है ये जो बहुत ही खूबसूरत है, आगे से इसमें देख लो। सो गाइस, जो पहला साड़ी है वो है ये, देख सकते हैं, जो क्रीम कलर और ये रेड का कॉम्बो आता है वो। ये साड़ी मेरे को बहुत सुंदर लगता है, बहुत बहुत ही सॉफ्ट इसका है फैब्रिक भी, तो बहुत सुंदर लग रहा है। सेकंड जो साड़ी है वो दिखाते हैं, वो है ये, देख सकते हैं। और इसको हम निकालेंगे नहीं वरना फिर बाद में मेरे को सब रखने में हालत खराब हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे ही दिखा देते हैं। देख सकते हैं ब्लू है इसका बॉर्डर और ऊपर से ग्रीन है। नेक्स्ट जो साड़ी है वो है ये, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था ये मेरे को, देख सकते हैं। इसका जो कलर है ना बहुत यूनिक कलर है, एकदम अलग सा जो कलर आता है, जो हमेशा देखने नहीं मिलता ये कलर, वैसा कलर है ना मम्मी। तो देखिए हाँ, मेरे शादी में जो शिवानी कलर पहनी थी वही कलर है, तो बहुत ही खूबसूरत है और कपड़ा भी इसका बहुत सॉफ्ट है। इसके बाद ये रेड कलर का साड़ी देख सकते हैं, ये जो रेड है ना ये बहुत कम मिलता है ना मम्मी, बहुत कम ये रेड मिलता है। देखो शिवानी एकदम बहुत खूबसूरत वाला रेड है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये भी देख सकते हैं। आपको कौन सा अच्छा लगा आप बता सकते हो कमेंट करके। तो चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं और क्या है, और पेटीकोट वगैरह का कपड़ा है तो ये क्या ही दिखा है। तो चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं, कहाँ गया हाँ। तो ये कुछ आसन जिसको बोलते हैं वो है, पूजा पाठ जो करते हैं वो, देख सकते हैं इस तरीके से जो आता है। ऑनलाइन भी बहुत टाइम से देख रहे थे ये, तो आज हम लोग को दिख गया है तो ले लिया। तो सेम दो लिए मतलब। और भी कुछ 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 सामान है जो चूड़ी वगैरह है, तो वो आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं आप लोगों को पता है कि सरस्वती पूजा आ रहा है तो इसलिए देख सकते हैं। बैंगल्स भी ले लिए हैं, एक मम्मी का है एक मेरा है, येलो बैंगल्स जरूर पहना जाता है तो इसलिए। तो चलिए, और एक जो था इसमें है शायद हाँ क्लचर, देख सकते हैं एक ले लिए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये भी, वीडियो नहीं बोल देता है तो ये बोल दिया है इसलिए कट करना पड़ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे आते आते खाने के लिए लाए हैं तो ये खाने लगी। खाए के पेट भर भर देखो पेट कैसे भर गया। तारा कहे के मिले जाओ, हम ट्रेनिंग करते नहीं, हम करते नहीं। आ का एथी होत रहे का गाना गावत रहे, स्वागतम स्वागत हमनी के स्वागत होत रहे। कौन ही है मम्मी इसी से दीवानी से कने ये लोग का स्वागत होत ही। ए जे डीएबी में आरा वाला
सब सर लोग भेटाई लोग पुरनका जो हमें पढ़ावत रहे लोग संभावना में अरे तुम बाबू इधर कहा तो बतानी अगर सर अब हम आपके लेवल पे हैं टीचर और एक मेन चीज जो आप देखे होंगे रिकॉर्ड किए हैं कि क्या ज्वेलरी खरीदे हैं वो चीज हमने खरीदे हैं मम्मी खरीदी है मेरे लिए तो क्या खरीदे हैं ज्वेलरी चलिए दिखाते हैं तो फर्स्ट जो है वो बहुत बहुत खूबसूरत सा बिछिया है जो हम वहाँ जमशेदपुर में भी खोज रहे थे ऐसा बट हमको नहीं मिला था तो यहाँ मिल गया तो ले लिए दिखाते हैं किस तरीके का है जो होता है ना कलरफुल देखो शिवानी कैसा लग रहा है सुंदर लग रहा है तो देख सकते हैं पास से दिखा देते हैं एकदम कलरफुल बिछिया जो होता है वो तो मेरे पास जो जितना भी है ना चांदी कलर का ही है सेम कलर दिवाली में भी लेने गए तो ऐसा नहीं मिला था तो मेरे को दिखा तो बहुत सुंदर लगा हम ले लिए इसको नेक्स्ट जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा रिंग है देख सकते हैं हम ले तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मेरे को तो मेरे से रहा ही नहीं गया हम बोले नहीं ये डन करते हैं ले लेते हैं देख सकते हैं तो कैसा लगा बताइएगा ये सारा मेरा शॉपिंग और भी कुछ कुछ सामान है बट वो खाने पीने वाला है तो वो क्या ही दिखाए तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए शिवानी तो यहाँ पे पापा लेके आए थे ब्रेड पकौड़ा और एक होता है ना हमेशा शाम में वो लेके आते ही हैं शायद आप लोग भी इंतजार करते होंगे कि आपके पापा आएंगे तो कुछ लेकर आएंगे हम लोग भी इंतजार करते हैं कि पापा आएंगे ना तो कुछ खाने के लिए जरूर लेके आएंगे और वो सच में हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते ही हैं और आज ब्रेड पकौड़ा लेके आए थे तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे फिर ये क्लिप है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का तो आप लोगों को ये साड़ी हम दिखाएं वीडियो में तो ये साड़ी जो है ना वो मेरी जो बुआ है उनके बेटे का साथी है तो वहाँ पे पापा को जाना था अपनी बुआ नहीं मतलब मेरे पापा की बुआ की बेटी तो पापा की बहन ही हुई तो वहाँ पे शादी था उनके बेटे का तो वहीं पे पापा जा रहे थे तो इसलिए हम लोग ये सारा कुछ शॉपिंग किए थे तो देख सकते हैं ये जो प्यारा प्यारा सा साड़ी है वो हमारी बुआ लोग के लिए है तो वहीं पापा लेके जा रहे थे तो सब कुछ तैयारी यहाँ कर रहे थे मम्मी नाश्ता बना रही थी तो टाइम नहीं था मम्मी को तो इसलिए हम यहाँ पे सब रख रहे थे जो पेटीकोट का कपड़ा था वो सब कुछ और ये बैंगल्स थे तो बैंगल्स मतलब समझ में नहीं आ रहा था तो हम लोग रेड रेड ही बैंगल्स खरीद लिए थे क्योंकि जब अगर मैचिंग नहीं मिलता है ना तो लगता है रेड ही ले लो एक पे तो रेड मैच करेगा उस पे ग्रीन रहता तो और खूबसूरत लगता बट नहीं मिल पाया था तो जो जो कलर मिला हम लोग जल्दी जल्दी से लेके आ गए थे क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था हम लोग को मार्केट से आने में एकदम शाम हो गया था तो इसलिए तो यहाँ पे ये भी एक बहुत ही प्यारा सा रेड चूड़ी है देख सकते हैं इसको भी हम पास से आपको दिखा देते हैं तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा चूड़ी लग रहा है तो दोनों में रेड चूड़ी बिंदी सिंदूर सब कुछ अच्छे से सेट कर लिए थे ताकि पैक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से चला जाए सब पापा को तो समझ में आएगा नहीं इसलिए हम लोग अलग अलग झोले में करके और मतलब अच्छे से पैक करके हम लोग दे देंगे नाम वगैरह लिख के ताकि वहाँ कुछ प्रॉब्लम ना हो और किसी के हाथ में वहाँ बुआ के भी हाथ में देना तो अच्छे से हो जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पैक कर लिए और ये जो आप साड़ी देख रहे हैं ना येलो वाली साड़ी वो यहाँ पर हम देखने के लिए निकाले थे तो मेरी दादी है ना उनके भाई लोग अभी तक रक्षाबंधन का साड़ी भेजते हैं तो मेरी दादी भी अभी तक राखी भेजती है अपने भाई लोगों को तो वो लोग भी साड़ी ज़रूर भेजते हैं सच में ऐसा भाई आज के जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है तो वही ये साड़ी बहुत प्यारा सा साड़ी आया हुआ था दादी के लिए। चलिए इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं कैसा लगा छोटा सा ब्लॉग जरूर बताइएगा अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर करिएगा और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं आने वाले दिनों में और आपको पता चलेगा बहुत सारा बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग आएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बाय टेक केयर लॉट्स ऑफ लव गाइस।